नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको अपने वीकली राशिफल में, जिसमें आज हम बात करेंगे 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2018 के बीच का जो 7 दिन आपके रहने वाले हैं वो आखिरकार आपके कैसे कटेंगे, किस तरह से आपको परफॉर्मेंस करना है और किस तरह से आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी है। पूरी वीडियो को देखिएगा, अपना राशिफल तो देखेगा, घर के परिवार के लोगों का भी राशिफल आपको मैं कहूँगा देखना चाहिए, जिससे आप उन लोगों को भी गाइड कर पाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि समय ना होने के कारण वो लोग अपना राशिफल चूक जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वुमनिया को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ यूसी ब्राउज़र पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरुआत कर लेते हैं अपनी वीडियो की। पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों का ये जो सप्ताह है 2 से लेकर 8 तारीख तक का, वो कैसा रहने वाला है? कहीं ना कहीं अच्छा सप्ताह आपका स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा, कहीं ना कहीं आय में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं, वहीं कैरियर में भी उन्नति के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अगर वो जॉब में प्रमोशन चाह रहे थे या जॉब में कुछ नया अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, नए रिसोर्सेज देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अभी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं वेतन में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं और अपॉर्चुनिटी में तलाश करते हैं तो हो सकता है कि जिस जॉब में आप अभी हैं उस जॉब में है आपको जो है आपको वेतन में वृद्धि होती हुई दिख जाए। तो कुल मिलाकर जो विन विन सिचुएशन आपके लिए बनती हुई यहाँ पर दिखाई इस सप्ताह में दोस्तों दे रही है। आपको करना क्या है, आपको फोकस करना है, आपको दोनों चीज़ों को एनालाइज करके बेस्ट आपको चूज़ खुद से करना है। आपको किसी और की राय ज़्यादा नहीं लेनी है, बस आप सोचिए कि आप उस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लव रोमांस की जहाँ तक बात करूँ इस सप्ताह में तो वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मन आपका इस सप्ताह में काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। महीने का जो शुरुआत है वो काफ़ी बेहतर आपके लिए दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर जो 7 दिन है वो आपके लिए बेहतर है, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आने वाली। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के लिए, तो वृषभ राशि के लिए भी ये सप्ताह जो है वो काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको थोड़ा सा यहाँ पर निराश होने की स्थिति हो सकती है, क्योंकि वो जिस डिज़ायर्ड कॉलेज के अंदर अपना देखना चाह रहे थे कि मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर वो एंट्रेंस ले पाएँ, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर कॉलेज उनको ना मिले। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो जिस कोर्स में वो अपना एडमिशन चाह रहे थे वो उनको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अगर मैं आय में बात की करूँ, आर्थिक रूप से बात करूँ इस सप्ताह की, तो वो आर्थिक रूप से सप्ताह काफ़ी बेहतर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ नए शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको भी होती हुई दिखाई दे रही है। घर का माहौल काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा इस दौरान, और काफ़ी लोग आपको यहाँ पर सहायता करते हुए दिखाई देंगे। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए बेटर है, इंजॉय कीजिएगा। बात करेंगे मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों को कुछ यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी का अनुभव जो है वो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये जो परेशानी का जो मंजर है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर आप बातचीत करें, टॉक करें, थोड़ा सा आपस में जो कम्युनिकेशन गैप आपका हो रहा है परिवार के बीच में खासतौर से, उसको अगर आप करें तो मैं कहता हूँ कि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो क्योर हो जाएंगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके मतलब काम आ सकती हैं। अगर आप कुछ अपग्रेड करना चाह रहे हो नौकरी में, या आप अपने स्किल्स को खासतौर से अपग्रेड करना चाह रहे हो, तो ये जो सप्ताह है ये आपके लिए बेहतर बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं व्यापार की बात कर लूँ तो मैं कहूँगा ज़्यादा उसमें उथल पुथल ना करें, ज़्यादा अप एंड डाउन ना करें उसके अंदर। जैसा चल रहा है उसको चलने दें, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये जो सप्ताह रहेगा ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आप आने वाले दिनों में जो तीज त्यौहार आपके आने वाले हैं उसमें व्यापार को आप कैसे आगे चलाएंगे उस बारे में आप ज़रूर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ चेंजेस इसमें ना करें तो बेटर है। अब आपको करना क्या है, इस पूरे सप्ताह में आपको अपने फोकस को बना के रखना है, किसी भी तरह से फोकस को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है, किसी तरीके की चिंता आपको मेजर इश्यूज़ पे नहीं रखनी है, नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी जो है वो नहीं होने देनी है, नहीं तो कहीं ना कहीं बनते हुए काम जो होंगे वो बिगड़ते हुए आप देखेंगे। तो बस नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है, और नेगेटिविटी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप अपने ईस्ट का यहाँ पर ध्यान करें, और अगर क्योंकि वेरियस थिंग्स होती हैं लोगों की स्ट्रेस को मिटाने की, तो जो आप बेस्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मिटाने के लिए आप वो करिए, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ। बात करेंगे कर्क राशि की, तो काफ़ी अच्छा जो है ये सप्ताह रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं सप्ताह की शुरुआत जब होगी तो आपको ये लगेगा थोड़ी सी आत्मविश्वास की कमी आपके अंदर देखने को मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं आप अपनी परफॉर्मेंस के पे ही थोड़ा सा डाउट करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे, और कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने की टालने की कोशिश भी आप करते हुए दिखाई देंगे।
मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें शुरुआत के एक दो दिन में ट्रेंड जो है वो दिखा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह जो है वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, चीज़ें ख़त्म होंगी, पॉजिटिविटी आएगी, और सप्ताह के अंत आते आते तक जो चीज़ें आपकी पेंडिंग में थीं, जो काम आप नहीं कर पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हुए मुझे दिखाई देंगे। तो चाहे वो लव फ्रंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल फ्रंट हो, चाहे वो पर्सनल फ्रंट हो, चाहे वो फैमिली फ्रंट हो, सब में स्टार्टिंग जो होगी, किसी से कुछ बात कहने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ रहा होगा, मैं बात करूँ, कहूँ, नहीं कहूँ, कहूँ, नहीं कहूँ, मैं कहूँगा तो। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए और कह दीजिए तो बेहतर रहेगा, उससे जो है स्थिति और आपकी शुरुआत में ही अच्छी होती हुई चली जाएगी। बस ये है कि अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत इंप्रेसिव रखिए, सारे एस्पेक्ट्स को देखिए, उसके बाद अपनी बात कीजिए। बात कर लेते हैं सिंह राशि की, तो ये आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। अगर आप टीचिंग व्यवसाय में हैं या टीचिंग करते हैं तो शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, कुछ प्रमोशंस के यहाँ चांसेस दिखाई देंगे, कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हुई दिखाई देंगी आपको, खासतौर से जो काउंसलिंग के व्यवसाय में काम करते हैं या नौकरी करते हैं। और बस ये है कि आपको लेन देन में थोड़ी सी ध्यान रखनी है, लेन देन करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है, किसी को ऐसे पैसे नहीं देने हैं जिससे उम्मीद ही ना हो कि वापस आएँ। वहीं जो कारोबार है आपका, जो व्यापार है आपका, वो आपके लिए बढ़िया होता हुआ दिखाई देगा, हालांकि लाभ की प्रतिशत जो है उतनी नहीं होगी जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी सही होगी। लेकिन खर्चों की स्थिति जो है इस सप्ताह में बढ़ती हुई दिखाई देगी, इसीलिए मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि आप अपने खर्चों के ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाएं, और लेन देन करते समय आपको बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत मैं कहूँगा कि रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों का ये सप्ताह जो रहने वाला है ये कैसा रहने वाला है। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, कंपेयर करूँ तो पिछले जो एक महीना रहा है आपका, जो रुके हुए काम थे, जो बहुत ठंडे बस्ते में पड़ गए थे कहीं ना कहीं, वो अब प्रगति, जैसे जो पिछले सप्ताह आपकी प्रगति स्टार्ट हुई थी, तो वो आपकी इस सप्ताह में भी जारी रहेगी, और वो जो पेंडिंग काम थे या रुका हुआ पैसा था कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, और कहीं ना कहीं नए रिसोर्सेज जो हैं वो बनते हुए आपके अब दिखाई देंगे। और अगर सरकारी महकमों में खासतौर से आपका काम रुका हुआ था तो वो बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ फाइलें अटक गई थी तो बनता हुआ दिखाई देगा, कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे थे तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए अब बेहतर होते हुए आपको दिखाई देंगे। तो कुल मिलाकर सप्ताह की जो स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर ही ट्रेंड यहाँ पर दिखा रही है। बात कर लेते हैं तुला राशि की, कि तुला राशि वालों का ये जो सप्ताह है ये कैसा रहने वाला है। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो जो आए आप उसको बिल्कुल भी ना चूको। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ फोकस कर रहे हो, तो ये फोकस आपका बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, कुछ पेपर वर्क दे रहे हो तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आप दिखाई दोगे, और कहीं ना कहीं काफ़ी सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा। और अगर आप माता पिता हो, संतान की तरफ से आपको काफ़ी अच्छे शुभ शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी, और जिससे मन जो है वो काफ़ी बढ़िया आपका होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप लव मैटर्स में हो, लव कपल हो, तो उस हिसाब से भी आपका ये जो सप्ताह है ये बेहतर रहेगा, अच्छी बॉन्डिंग होती हुई आपको दिखाई देगी। अब इसमें से कई लोग मुझसे कमेंट में करके पूछते हैं कि आप जैसा कह रहे हो वैसा नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं तो कि जितने भी एनालिसिस आप लोग देखते हो, राशिफल खास तौर से देखते हो, बहुत सामान्य आधार पर होता है। आपके जो कुंडली है उसके ऊपर क्या दिशा दक्षिणाएं चल रही हैं, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह मजबूत है, कम है, वो आपकी कुंडली को देखकर ही दोस्तों बताया जा सकता है। जितने भी एनालिसिस आप देखते हो ये बहुत सामान्य आधार पर होते हैं। अब आ जाते हैं वृश्चिक वाली राशि, जो कि हमारी वृश्चिक राशि है। कंपेयर करूँ तो ये सप्ताह काफ़ी बेहतर रहने वाला है। जो रिसोर्सेस की कमी हो गई थी वो बढ़ेंगे, आय में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लेकिन नौकरी जो लोग करते हैं उनके लिए ये सप्ताह कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि वो ट्रांसफ़र लेना नहीं चाहते हैं लेकिन ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई देंगे। वहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो लेना नहीं चाहते, वो उनको मिलती हुई दिखाई देंगी। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो भी मिल रहा है उसे प्रसाद समझ के ले लीजिए इस समय। आगे चल के 10 अक्टूबर के बाद प्रिसाइसली थोड़ी सी चेंजेस आपको आने को देखने को मिलेंगे। वहीं नियमों और कानूनों का जो उल्लंघन है, मतलब ओबे करके चलें उनको तो बेहतर है, नहीं तो कहीं ना कहीं चीज़ों मुश्किल होंगी। लेकिन फिर भी कहूँगा कि पिछले सप्ताह के मुकाबले ये सप्ताह काफ़ी बेहतर रहेगा, और संयत होकर चलिए, सेल्फ एनालिसिस करते हुए चलेंगे तो काफ़ी बढ़िया होता हुआ दिखाई आपको देगा। थोड़ी सी तबीयत आज जो है गड़बड़ करती हुई दिखाई दे रही है मुझे भी। स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपको नहीं दिखाएगा। बात करेंगे धनु राशि की, कि धनु राशि का कैसा रहने वाला है। तो आपके लिए ये थोड़ा सा मिक्स बैग की
फीलिंग जो है लेकर आएगा। जो समय थोड़ा सा आपका मध्यम चल रहा है वो अभी भी चलता हुआ ही दिखाई देगा। बाकी जो डेली राशिफल के अंदर मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना। पहले बात कर लेते हैं व्यापार की। तो व्यापार जो रहेगा इस वीक में वो उतना ज़्यादा आपका उन्नति नहीं दिखा रहा है। मेहनत ज़्यादा होगी लेकिन प्रॉफिट जो होगा वो कम होगा। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो रिस्क फैक्टर वाले जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। वहीं अगर अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन सिर्फ उतना ही लीजिएगा जितना आप चुका सकते हैं। और लेन देन करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ना तो उधार लें ना उधार दें तो बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो सप्ताह अभी आपके चल रहे हैं ये सप्ताह बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मैं नहीं कह सकता हूँ कि फ्रूटफुल रहें, तो इसलिए थोड़ा सा संभाल कर ही चलना चाहिए, खास तौर से आय के हिसाब से। मकर राशि की बात कर लेते हैं तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो काफ़ी अच्छा है, अनुकूल रहने वाला है, पिछले सप्ताह की तरह ही आपका रहेगा। हालांकि थोड़ी सी गुस्सा ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेद भर सकते हैं और कहीं ना कहीं नौकरी और व्यवसाय दोनों की दृष्टि से आपके लिए बेहतर है। लेकिन बशर्ते आप अपने टेम्पर को कंट्रोल करके चलें, टेम्पर को कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे ईगो की फैक्टर जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है और वो ईगो जो है वो कहीं ना कहीं बनते हुए काम बिगाड़ सकता है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग है तो वो आपकी होती हुई यहाँ दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर जो सप्ताह की स्थिति है वो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ही है। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा किसी के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा या ईगो, जो भी आप नाम देना चाहें उसे, वो आप किसी के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े से खर्चे यहाँ पर पड़ते हुए दिखाई देंगे इस सप्ताह में। लेकिन आर्थिक स्थिति बहुत अधिक तो प्रभावित नहीं होगी उससे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको अननेसेसरी खर्चों से आपको बचना चाहिए और नौकरी और व्यवसाय आपका इस वीक में थोड़ा सा सामान्य आधार पर ही रहेगा। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि खर्चों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि खर्चे थोड़े से आप कंट्रोल करते हुए आपको चलने होंगे, नहीं तो आगे चल के थोड़े से आने वाले पूरा महीना पड़ा है तो उसमें थोड़ी सी स्थिति आपकी डामाडोल वाली स्थिति हो सकती है। कोरोना का सप्ताह अच्छा है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बात करेंगे अपनी लास्ट राशि जो कि हमारी मीन राशि है। कंपेयर कर लूँ पिछले सप्ताह से तो काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। कुछ सब समाचारों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देगी। वहीं जो लोग आपसे कचरा रहे थे, आपकी हेल्प नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपको सहयोग काफ़ी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सोशल गैदरिंग आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द वीक में आप इस बात को रिलैक्स करेंगे कि हाँ यार, चल जो सोचा था वो मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया। तो कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आर्थिक दबाव थोड़े से बने रह सकते हैं, लेकिन वो भी इतने नहीं होंगे कि आपका काम ना चल पाए। कुल मिलाकर सप्ताह आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, ये हुआ एक साप्ताहिक राशिफल जो मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा पसंद। अगर आया है पसंद तो कर दो लाइक और कर दो शेयर, और कांटेक्ट करना चाहते हो तो 9411848508996238253 पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, फिर से आपको याद दिला देता हूँ कि प्रश्न एनालिसिस आर पेड, उसकी निश्चित फीस दोस्तों आपको देनी होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों नहीं होते हैं। इसके अलावा भट्टागर भी 24/11@gmail.com पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। जैसा संभव होगा 2 से 3 दिन लेते हैं हम लोग एनालिसिस करने के लिए। हम लोग हाथों हाथ एनालिसिस नहीं करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। और किसी तरीके का कोई डेमो आपको प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है। डेमो देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट्स को देख सकते हैं, या आप हमारे वीडियो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा आप हमारे न्यूमरोलॉजी ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यथासंभव हम वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर देते रहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत जल्दी नई कुछ वीडियोस आपके सामने आएंगी।